हेलो दोस्तों, यूपीएससी आईएएस का मेंस एग्जाम 2018 जो कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ था, उसी का क्वेश्चन आंसर लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर क्वेश्चन ये था कि व्हाई इज इंडिया टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट इन द आर्टिक रीजन। जैसे आर्टिक रीजन जो नॉर्थ पोल है हम लोगों का, वहां इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। तो क्वेश्चन यही था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 वर्ड्स। तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करें, उसके ऊपर ही ये वीडियो बनाया है। तो पहले थोड़ा इंट्रो, जहां पर इंडिया आर्कटिक रीजन में क्या इंस्टॉल किया है, कैसे अपना रिसर्च और कैसे साइंटिफिक वर्क कर रहा है। पहला पॉइंट यह है कि इंडिया का हिमाद्री स्टेशन है जो 2008 में इस्टेब्लिश किया गया। हिमाद्री स्टेशन वहाँ पर जो रिसर्च करता है वो है फोर्ड डायनामिक्स के ऊपर, एटमोस्फेरिक रिसर्च करता है, स्पेस वेदर, फूड वेब डायनामिक्स, माइक्रोबायल कम्युनिटी, ग्लेशियर सेडिमेंटरी, कार्बन रिसाइकलिंग के बारे में ये लोग रिसर्च करता है हिमाद्री स्टेशन में। अब ये इंडिया का जो इंटरेस्ट है आर्कटिक रीजन में, जो नॉर्थ पोल है, वो किस लिए है, वो कैसे अचानक से ये क्वेश्चन क्यों आया है यूपीएससी में। तो बात ये है कि वी ऑल नो द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या हो रहा है, जो आइस कैप्स है दे आर मेल्टिंग डाउन, और जैसे ये मेल्ट हो रहा है अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इज कमिंग आउट। सेकेंड ऑफ ऑल जो आर्टिक का जो पोजिशन है, जो आइस कैप है, वहाँ का जो लैंड है वो आइसी है, परमाफ्रॉस्ट का सिचुएशन में है। अब जैसे आइस मेल्ट कर जाता है तो वहाँ का जो लैंड नीचे जो भी है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो ये जो एक्सपोज होगा, इससे इंडिया का हर कंट्री का बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, यहाँ का जो रिसोर्स है उसको हार्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। सो नंबर वन पॉइंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस। हाँ, आर्कटिक ओशन रीजन में बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत ही ऑयल रिजर्व और नेचुरल गैस रिजर्व होगा। अब सोच सकते हैं इंडिया जहाँ पर एक ग्रोइंग कंट्री है, जिसका ऑयल फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो भी फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट होता है वो मिडिल ईस्ट से है, और आप लोगों को पता है मिडिल ईस्ट में कितना क्राइसिस चलता है, जो सिचुएशन है बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन है। तो इसीलिए अगर हम लोग आर्कटिक रीजन में अगर हम लोग वो जो ऑयल टैप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो इसे हम लोगों का बहुत ही फायदा है। इसलिए जो ONGC इंडिया विदेश है वो भी एक बहुत ही इंटरेस्ट और भी इन्वेस्ट करने का सोचा है रशियन कंपनी के साथ। तो ये है गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो है सी रूट्स। हाँ दोस्तों, आर्कटिक का जो आइस है वो अगर मेल्ट हो जाए तो वो बहुत ही वो एक सी हो जाएगा, वो एक समुंदर हो जाएगा जहां से शिप्स गुजर पाएगा। अब अगर ये पॉसिबल होता है तो हम लोगों को नॉर्थ अमेरिका या तो वेस्ट कंट्रीज में पहुंचने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा, जो 40% जो जर्नी है वो रिड्यूस हो सकता है। अभी जैसे हम लोग को पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके हम लोगों को जाना पड़ता है, अगर आर्कटिक ओशन से जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अर्थ एक स्फीयर है, अगर आर्कटिक ओशन से क्रॉस करके जाएंगे तो हम लोग पैसिफिक से अटलांटिक ओशन बहुत ही जल्दी घुस पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, रिसर्च हॉराइजन बहुत बढ़ जाएगा। जैसे अगर नया जो लाइफ है, जो लाइफ हम लोग अभी तक उतना रिसर्च नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं है, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर पाएंगे। उसके बाद जो है, आप लोगों को पता है कि अंटार्कटिका में जो भी साउथ पोल है वहाँ पर हम लोगों का दक्षिण गंगोत्री है, जो भी और एक रिसर्च सेंटर है। तो हम लोग ये कंपेरेटिव स्टडी कर पाएंगे कि वहाँ का जो एनिमल्स है, वहाँ का जो लाइफ फॉर्म्स है, यहाँ का लाइफ फॉर्म से कितना डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 4, कुछ चैलेंजेस भी है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे जो मेल्टिंग हो रहा है, इसमें हम लोगों का कुछ चैलेंजेस है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है टेली कनेक्शन ऑफ इंडियन मानसून बोल के। हाँ दोस्तों, तो इंडियन मानसून के साथ जो आर्कटिक रीजन का कनेक्शन है वो ऐसा है कि जब आर्कटिक कैप्स मेल्ट करेगा तो वो फ्रेश वाटर बहुत ही रिलीज करेगा ओशन में। अब क्या होता है, अब लोगों को पता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन का जो हॉट वाटर है दैट मूव्स टुवर्ड्स द आर्कटिक रीजन एंड एक्सचेंजेस इट्स हीट। अब क्या होगा, अब जैसे वो बर्फ नहीं रहेगा जिसका कैपेसिटी हीट एब्जॉर्ब करने का ज़्यादा है, तो वो हीट
वो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो इसके वजह से क्या होगा, इंडिया के आसपास हॉट वाटर ज़्यादा रह जाएगा। और अगर ये हॉट वाटर ज़्यादा रह जाता है तो आप लोगों को पता है मानसून इज बेसिकली अ फेनोमेना ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड और सी का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उससे ही मानसून आता है। तो अगर ये इंडिया और भी ज़्यादा हीटेड रहेगा और भी ज़्यादा वार्म रहेगा तो इससे क्या होगा, मानसून विंड और भी वायलेंटली आएगा और रेनफॉल शायद ज़्यादा होगा, शायद फ्लड सिस्टम और भी बढ़ जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पोल्स मेल्टिंग हो रहा है उससे सी लेवल्स जो बढ़ रहा है। अब ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है इसको स्टडी करना, ये मतलब हिस्ट्री से क्या होते हुए आया है, ग्लेशियल एज में जब अर्थ फ्रीज हो गया था, इसको स्टडी करने का और भी मौका मिल जाएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ग्लोबल सीड वॉल्ट। ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्मल जगह में ग्लोबल सीड वॉल्ट है जहाँ पर इंडिया का भी जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स इंडिजीनियस सीड्स है जैसे वीट और मेस का वो स्टोर किया हुआ है। अगर ये मेल्ट हो जाए तो ये जो बिल्डिंग है ये बर्बाद हो सकता है, तो इसीलिए प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। फिर आता है पोलर लाइफ फॉर्म्स और इंडिजीनियस कम्युनिटीज के बारे में। आप लोग को पता है जैसे आर्टिक का भी कुछ इंडिजीनियस कम्युनिटीज है, जो लोग वहाँ पर ट्राइबल्स है वहाँ पर रहता है। तो क्या हो रहा है, अगर हर एक कंट्री अगर वहाँ पे हार्नेस करने जाए, हर एक कंट्री का इंटरेस्ट आर्टिक में हो जाए, तो ऑब्वियसली वो लोगों का जो इंडिजीनियस लाइफ फॉर्म है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि वो लोगों को भी इंक्लूड किया जाए, वो लोग का भी वेलफेयर को दिखा जाए। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप लोगों को इंग्लिश में पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ में चाहिए पीडीएफ डाउनलोड करके रखिए ताकि आप लोगों का एक कॉन्स्टेंट नोट्स बन जाए और आप लोग इसको कहीं भी यूज कर पाए। आप लोगों को रेफरेंस चाहिए कहाँ से, मैं ये स्रोत उठा के बोल रहा हूँ, तो ये रेफरेंस आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से, जहाँ पर दिया हुआ है कि इंडिया आर्कटिक रीजन में कैसा इंटरेस्ट ले रहा है, और उसके ऊपर भी द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स आए थे वहाँ से मैंने थोड़ा उठाया है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ये आंसर को और भी इनरिच किया जा सके। थैंक यू।